आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यूनेस्को की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली अनन्या अग्रवाल ने कहा कि कमजोर अर्थव्यवस्था, कट्टरपंथी समाज और आतंकवाद की गहरी जड़ों के साथ ही पाकिस्तान के विक्षिप्त व्यवहार के कारण वह गिरते हुए एक विफल राष्ट्र की ओर गिरता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चरमपंथी विचारधाराओं और कट्टरपंथी शक्तियों की आतंकवाद की सबसे गहरी अभिव्यक्तियों सहित हर तरह का अंधेरा वहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को के मंच का दुरुपयोग भारत के खिलाफ जहर उगलने और उसका राजनीतिकरण करने के लिए हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। अनन्या अग्रवाल ने कहा कि साल 2018 में विफल होने वाले देशों की संभावित सूची में पाकिस्तान 14वें नंबर पर था। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में प्रधानमंत्री इमरान खान की टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका नेता संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल खुलेआम परमाणु युद्ध का प्रचार करने और अन्य राष्ट्रों के खिलाफ हथियार रखने के लिए करता है। The gender-based crimes against women, including honor killings, acid attacks, forced conversions, forced marriages and child marriages, remain a severe problem in Pakistan today. Mr. President, it is a country whose leadership uses a UN platform to openly preach nuclear war and issue call to arms against other nations. Would this gathering believe if I told them that one of Pakistan's former presidents, General Musharraf, recently called terrorists such as Osama bin Laden and the Haqqani network as Pakistan's heroes? महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तीनों दलों के नेताओं की बैठक के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। यह ड्राफ्ट तीनों पार्टियों के हाईकमान को भेजा जाएगा। इसे लेकर अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा ही तय किया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में सरकार पूरे 5 साल चलेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही रहेगा। बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल हुए। सभी नेताओं ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बिरसा मुंडा ने छोटी आयु से ही बड़ा काम किया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बिरसा मुंडा संघर्ष, त्याग और कुर्बानी की मिसाल थे। संघर्ष, कुर्बानी और त्याग के प्रतीक थे। बड़ी कम उम्र में उन्होंने समाज में और अपने देश की आजादी के लिए उनका योगदान रहा। 25 साल की उम्र में वे शांत हुए। ये एक पहला उदाहरण है कि इतने छोटे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने वचन पूरे नहीं किया है, साल भर सिर्फ प्रवचन दिया है। वचन पत्र में कहा गया था कि किसान कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। नौजवानों को भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों को बोनस नहीं दिया, किसानों को बाढ़ से हुई तबाही का पैसा नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वचन में कहा था कि बेटियों को स्कूटी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। बच्चों को मिलने वाली योजनाएं बंद कर दी गई। कुल मिलाकर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। सरकारी आवास खाली करवाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 10 महीने से सिर्फ हर मामले की जांच ही जारी है। कांग्रेस के लोग सिर्फ जांच की बात करते हैं। जांच की समिति बनी है सरकारी आवास के लिए, अच्छी बात है। 10 महीने से जांच ही तो हो रही है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लेकिन इस बार तो 10 महीने में चुहिया भी नहीं निकली है। 10 महीने में चुहिया भी नहीं निकली है। और फिर जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच। मुझे मालूम है कि जांच के क्या परिणाम आने वाले। सरकार उनकी है, जांच में जो भी आए वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी सहमत। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा खिलाने का ऐलान किया था, लेकिन इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वाक युद्ध चला। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक दबाव के चलते सरकार को अंडे का फंडा
समझ आ गया और सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करना पड़ा। अब आंगनबाड़ियों में अंडा ऐच्छिक खाद्य पदार्थ हो गया है। सरकार का कहना है जिन बच्चों की इच्छा होगी वो अंडा खाएंगे और जिनकी इच्छा फल खाने की होगी वो फल खाएंगे। अंडे की बात चल रही और अंडा देंगे सभी को, थोड़ी अंडा देना है, जो खाएगा जो अपनी मर्जी से खाएगा उसको हम अंडे देंगे जी। तो बीजेपी वालों की जब हमें इनका विरोध दिखा तो मैं महाराष्ट्र में गई, मीटिंग ली, बम्बई में भी मैंने मीटिंग ली महाराष्ट्र में, तो जहाँ इनकी मुख्य धारा है RSS की, तो जब वहाँ भी 2016 से अंडा दे रहे तो हमारे यहाँ क्यों रोक रहे हैं? और हम भी ये जानते हैं, हमने भी गांव में जाके देखा है कि जहाँ ये रोक लगा रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के बच्चों से इन्हें दुश्मनी है? ऐसे कई तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ऐसे 6-7 जिलों में अंडे दे रहे हैं जहाँ इनकी खुद की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोकने का इनका क्या मतलब है? और जब हम देंगे तो जो बच्चे अगर अंडा खाएंगे उन्हें अंडा देंगे, जबरदस्ती किसी से नहीं होगी, और जो बच्चे नहीं खाएंगे उन्हें फल दे जाएंगे। गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष का बड़ा अध्याय लिखने वाले अब्दुल जब्बार का गुरुवार रात भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हो गया। जब्बार का निधन हृदय गति रुकने से हुआ। वह 63 साल के थे। ज्यादा डायबिटीज के चलते पैर की नसें ब्लॉक होने से उन्हें गैंग्रीन हो गया था। शुरू में उन्हें कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ी तो वे PHMRC में भर्ती हो गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। लिहाजा 11 नवंबर को उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब्दुल जब्बार की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस व्यक्ति ने गैस पीड़ितों के हक के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपना जीवन खपा दिया, उसे खुद सही इलाज नहीं मिल पाया। अब्दुल जब्बार का आखिरी वीडियो सामने आया जिसमें पीड़ा उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को उनका हाल जानने गए और उन्हें तत्काल मुंबई इलाज के लिए चलने को कहा। दिग्विजय सिंह ने जब्बार से कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुमसे अभी बहुत काम लेना है। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कमला नेहरू अस्पताल पर सवाल उठाते हुए कहा, तू पड़ा रहा ना कमला नेहरू में इतने दिन, उससे यह सब हुआ है। अभी हम इसको मुंबई ले आ रहे हैं, जाओगे साथ में, तैयारी कर लो। कल का बात हो गई, कल या मैक्सिमम परसों सुबह तक इसको वही ले चलेंगे। अरे दौड़ाएंगे, तू चिंता ना कर इसको, मेरा भाई अभी इससे बहुत काम लेना है मुझे। जो है इधर ऐसी अकल बना रखी है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू लगा रहा ना कमला नेहरू में पड़ा रहा इतने दिन, सब उसके वजह से हुआ ही है। पहले जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। कल आज तैयारी करो, बम्बई चलना है, किसी बात की फिक्र ना करो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के शुक्रिया, तू बेकार बात कर, सब ठीक हो जाए, सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर। दिग्विजय सिंह शुक्रवार को अब्दुल जब्बार को इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और गैस पीड़ितों के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहने वाले अब्दुल जब्बार इस दुनिया को ही अलविदा कह गए। भोपाल में गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य को लेकर सदैव सजग रहने वाले अब्दुल जब्बार को ही भोपाल में ठीक इलाज नहीं मिल पाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुक्रवार को भोपाल के गरम गड्ढा कब्रिस्तान में अब्दुल जब्बार को सुपुर्द खाक किया गया। सबलगढ़ के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने अपना ज्ञान बघारने के चक्कर में अपनी जगहसाई करवा ली। बैजनाथ कुशवाहा ने बाल दिवस पर नशे की बुराई बताते हुए पृथ्वीराज चौहान समेत कई बड़े बड़े राजाओं को शराबी बता दिया। एक निजी विश्वविद्यालय में मंच से भाषण देते हुए कुशवाहा ने कहा, दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, महोबा का राजा परिमाल व कन्नौज के राजा जयचंद्र, जो भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनके किलों व महलों में आज चमगादड़ उड़ रहे हैं और नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। इस दौरान कुशवाहा हाथ से इन राजाओं के शराब पीने की ओर इशारा कर रहे थे। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, महोबा का राजा परिमाल, कन्नौज के जयचंद्र,
ये तमाम सारे बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इस चक्कर में आज इनके किलों में चमगादड़ें भी आ रही है मेरे साथियों। चमगादड़ें कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, आई नाम लेने वाला नहीं बचा है दुनिया की धरती में। इसलिए इस मौके पर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यह तुम्हारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, अगर इसे सुरक्षित रखना चाहते हो तो कभी इनके सामने दारू भांग मत पीना मेरे भाइयों। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, मंच पर माइक पकड़कर तो विधायक कुशवाहा ने अपना ज्ञान पेल दिया, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि इस बात की व्यापक और जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। कई संगठन अब विधायक के बयान के विरोध में खड़े हो गए। तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं बच्चों के बीच नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रम में था, मैं उनको समझा रहा था कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा दारू के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं तो हमारी क्या औकात है। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, भावावेश में मैंने कह दिया वो हमारे आदर्श हैं, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पंचायतों में निर्माण और विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। हाल ही में जिले के त्योथर विकास खंड का मामला सामने आया है, जहां ग्राम बड़ा गांव निवासी रामपाल सिंह ने बताया कि उनके गांव में सरपंच और सचिव द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को अंधेरे में रखते हुए प्रशासन द्वारा दी गई राशि में फर्जी नाली निर्माण दिखाया गया है। भ्रष्टाचार की पोल तब खुली जब सचिव द्वारा गांव की एक दीवार पर पीले कलर से रोड बनना और नाली निर्माण का कार्य लिखवाया गया। गांव वालों ने सरपंच सचिव से इसकी जानकारी जाननी चाही तो बताने में आनाकानी करने लगे। दीवार में लिखे गए बोर्ड में नाली निर्माण दर्ज था और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही थी, एक अधूरा तो दूसरा गायब ही मिला। नाली बनाई नहीं गई, इन जो लिखा हुआ है नाली नहीं बनी है ना, यहाँ अपने सगे भाई की जमीन पर जाने कारण आगे नाली जाने नहीं दिए, जिस कारण से नाली बनाए नहीं पर नाली निर्माण लिखा गया है। कोई शिकायत नहीं, सरपंच साहब से क्या निवेदन किए करें, जब वो आगे नाली जा नहीं रहे तो यहाँ इसके बारे में क्या है, इसके जो लिखा बोर्ड में लिखा गया है ये नाली निर्माण का भी कार्य दर्शाया गया है, तो इसकी नाली की जो है जांच होनी चाहिए, ऐसी कारण से राश नहीं लिखी गई है, नाली नंबर राश नहीं लिखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण इस तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। जिम्मेदार उच्च अधिकारियों द्वारा सही तरीके से क्षेत्रों की मॉनिटरिंग न किए जाना ही नतीजा है कि इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह कार्य करने वाले कितने सरपंचों और सचिवों के ऊपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ कार्रवाई करते हैं। होशंगाबाद के बनखेड़ी नया गांव जंगल क्षेत्र में महुआ के पेड़ के पास जाने पर अब प्रतिबंध है। अंधविश्वास के चलते बड़ी संख्या में लोग इस प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र में पहुंच रहे थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा रोके जाने पर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला और पथराव किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सहित कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए। पिपरिया एसडीएम के आदेश के बाद महुआ पेड़ वाले जंगल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि महुआ का पेड़ छूने और दर्शन करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग उस जंगल में पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रशासन के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जंगल में जाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। रीवा में पुलिस ने दो चैन स्नेचरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिछले दो महीनों से हो रही चैन स्नेचिंग की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। यहाँ आए दिन चैन स्नेचिंग हो रही थी। इन घटनाओं से पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान लगना शुरू हो गए थे। दिन दहाड़े महिलाओं के गले से चैन लूटी जा रही थी और इन लुटेरों के हौसले हर दिन बुलंद होते जा रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दो संदिग्ध को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबोचा। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने करीब दर्जन भर लूट और चैन स्नेचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि चैन स्नेचर दूसरे जिलों से चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने रीवा आते थे और घटना के बाद गायब हो जाते थे। ये दो जो लोग पकड़ाए गए हैं, इनका नाम, एक का नाम है दीपक सोनी, ये रघुराज नगर सतना का रहने वाला है, और दूसरा का नाम है शक्ति कुमार गुप्ता, ये जो है ये भी रघुराज नगर सतना का रहने वाला है। ये दोनों लोग सतना से यहाँ अप डाउन किया करते थे और यही काम किया करते थे कि इनको आना है
एक चेन स्नैचिंग करना है और चले जाना है। इनसे डिटेल जब पूछताछ की गई तो कुल मिला के इनमें 11 चेन स्नैचिंग, 12 चेन स्नैचिंग की वारदात इन्होंने कबूली है, जिसमें से 11 रीवा जिले की है और एक सतना जिले की है। सीसीटीवी फुटेज और बताए गए हुलिये के आधार पर जब पुलिस ने संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की तो चोरों ने चेन स्नैचिंग की 11 घटनाएं करना कबूली। आईजी ने लुटेरों को पकड़ने वाली समस्त टीम को बधाई दी और इनाम स्वरूप 30,000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दो आरक्षक अनूप त्रिपाठी और राजेन पांडे को उनकी कार के प्रति जिम्मेदारी, सूझबूझ और मेहनत से प्रभावित होकर आईजी ने इनकी पदोन्नति के लिए पुलिस मुख्यालय में पत्र लिखने की बात कही है। हमारे तरफ से पूरे टीम को प्रशंसा पत्र दूंगा और ये जो दो आरक्षक है, जो मैंने बताया कितनी डिफिकल्टी है सूचना को और इंटेंशन को ऊपर से नीचे आने में, जिनने हमारे विजन को, हमारे टास्क को अपना टास्क समझा और जुनून के साथ लगे रहे, इन दोनों आरक्षक अनूप त्रिपाठी और राजेंद्र पांडे को क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए पुलिस मुख्यालय में अनुशंसा भेजूंगा। ये है मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री, विधायक केपी सिंह। केपी सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ की वजह से इन दिनों फुर्सत में हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई दिग्गज और काबिल नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। केपी सिंह भी उनमें से एक हैं और इस बार कांग्रेस की गुटिये राजनीति का शिकार हो गए हैं। ग्वालियर चंबल के इस कद्दावर नेता को लेकर उनके समर्थक भी काफी मुखर रहे हैं। फुर्सत के इस दौर में केपी सिंह का एक और पक्ष सामने आ रहा है, वो है उनका संगीत प्रेमी होना। संगीत प्रेम को लेकर केपी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केपी सिंह हारमोनियम बजाकर 70 के दशक का गीत शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उस पे फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब गाते दिख रहे हैं। राजनीति की दृष्टि से केपी सिंह के लिए यह वक्त कुछ ठीक नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने शांत रहना मुनासिब समझा और वो लगातार अपने इलाके की जनता के साथ उनके सुख दुख के साथी बने हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें भले ही मंत्री बनाना उचित नहीं समझा हो, लेकिन उनके इलाके में उनका रुतबा और छवि किसी मंत्री से कम नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों की टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है। लोगों का यह भी कहना है कि कमलनाथ ने कुछ बड़े नेताओं को गाना बजाना करने की स्थिति में ला दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक,
राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।